Don't forget to subscribe to our channel and press the bell icon to get the latest updates of Aakar Foundation. Aakar Foundation. Shit, the recording is here. बताओ आंसर क्या है. रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं हुई तब तक. बी बाइट्स बी सीट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ हर ग्रैंड डॉटर. कौन है उसकी ग्रैंड डॉटर कौन है? पहले तो बी की ग्रैंड डॉटर ढूंढ लेते कौन है. तो अभी देखो तीन तीन ग्रैंड डॉटर्स है. एच बी है, ए बी है और जी बी है. ठीक है, तीन ग्रैंड डॉटर्स है ना उसकी. चलो ये तो पॉइंट हो नहीं सकता. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू. तो कौन सा कंसिडर करेंगे आप? देखो कंसिडर कौन सा कर सकते हो यहाँ पे देखेंगे आप. तो तीन तीन ग्रैंड डॉटर्स है ना. तो बी सीट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ हर ग्रैंड डॉटर. अब आप गलती क्या करते देखो. बी के आप पहला ही देख लो. हर ग्रैंड डॉटर मतलब आपने कंसिडर किया होगा एच को. आपने एच को कंसिडर किया होगा और उसके इमीडिएट लेफ्ट में बी दिखता ही आपको. और क्या करेंगे आप? बिल्कुल टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे. कैटिंग एंड एग्जामिनर वॉन्ट द सेम कि आप मिस्टेक करो. सारा इतना सब कुछ अरेंजमेंट करने के बावजूद भी आप सीली मिस्टेक के कारण एग्जाम्स में मार्क्स खो दो. यही चाहता है एग्जामिनर, क्योंकि आप कॉमन सेंस नहीं लगाएंगे. क्योंकि कॉमन सेंस क्या है यहाँ पे देखो. क्योंकि बी का कौन है? अगर सपोज यहाँ पे नन ऑफ दिस ऑप्शन नहीं होता तो इन दैट केस यू कुड हैव मार्क दिस. बट अभी क्या है आप देखो, यहाँ पे पहला सही नहीं होगा. गेटिंग, पहला सही नहीं हो सकता. रीजन इज वेरी क्लियर हियर. क्योंकि उसकी एक ग्रैंड डॉटर नहीं है ना, तीन तीन ग्रैंड डॉटर्स है. गेटिंग, तीन तीन ग्रैंड डॉटर्स है उनके. ठीक है, लेट मी फिक्स दिस. चलो दूसरा क्या है? पहला तो नहीं हो रहा, दूसरा पकड़ते. चलो एच सीट्स एट द वन ऑफ द कॉर्नर्स ऑफ द टेबल. H sits at one of the corners of the table. Is it? No, it is not true. No female is an immediate neighbor of D. Immediate neighbor of D के immediate neighbor में कोई नहीं है क्या? Female नहीं है क्या? तो है ना, F is a female. तो ये भी सही नहीं है. Getting? D and H are immediate neighbor of each other. D and H immediate neighbors है क्या? एक दूसरे के? D and H are immediate neighbors? No, that is not the truth. Means your answer is none of this. Getting? None of these नहीं होता तो हम यही मार्क करते. Getting? None of these अगर नहीं होता तो यही मार्क करते, क्योंकि हमारा कंसिडरेशन क्या है कि एच ही उसकी डॉटर्स है. हाँ, यहाँ पे अगर लाइन अगर ऐसी होती बी सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ हर वन ऑफ द ग्रैंड डॉटर्स, वन ऑफ द ग्रैंड डॉटर्स अगर सेंटेंस होता तो इन दैट केस वी वुड हैव मार्क दिस. गेटिंग पॉइंट? उस केस में हम मार्क कर सकते थे कि वन ऑफ द ग्रैंड डॉटर्स अगर बोला होता तो हम डेफिनेटली मार्क कर सकते. लेकिन उन्होंने क्या बोला? बी सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ हर ग्रैंड डॉटर. लेकिन किसकी बात चल रही? तीन तीन ग्रैंड डॉटर्स है ना, समझ रहे? चलो आई होप यू गॉट दिस. लेट अस गो अहेड नाउ. स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका और आगे बढ़ते हैं. समझ में आया? थोड़ा सा फिर से प्रैक्टिस कर लेना, फिर से एक बार सॉल्व करके देख लेना करते. अब प्रोसेस तो समझ में आया होगा. गेटिंग? चलो लेट्स गो अहेड नाउ. ओके, सो लेट्स सी what is the given in the question here. New question hai yahan pe screen pe, and let me erase over the screen. Chalo, chalo, very good. Let us try to solve this. पी क्यू आर एस टी यू वी आर सिटिंग इन अ रेक्टेंगुलर टेबल. एक क्वेश्चन और देखते हैं रेक्टेंगुलर टेबल का. दैट थ्री पर्सन्स आर सिटिंग ऑन द लॉन्गर साइड एंड फेसिंग द इनसाइड. अब रेक्टेंगल बोला है तो पहले हम रेक्टेंगल ड्रॉ करते. गेटिंग? आपको एक मिनट दे दूं क्या? आप ट्राई करते क्या? ट्राई करते होंगे तो एक मिनट देता हूं, एक दो मिनट देता हूं. या डायरेक्टली सोल्यूशन दे दूं? आप बताइए. क्या बोला है? रेक्टेंगुलर टेबल. रेक्टेंगुलर बोले तो रेक्टेंगुलर इस तरह से होगा. अब रेक्टेंगुलर और स्क्वायर में क्या डिफरेंस है?
आप कहीं से भी स्टार्ट नहीं कर सकते, माइंड दैट, कहीं से भी स्टार्ट नहीं कर सकते, ठीक है? अगर लॉन्गर साइड बोला है तो लॉन्गर साइड में ही प्लेस करेंगे, शॉर्टर साइड में बोला है तो शॉर्टर साइड में। एंड आपको दिख रही है शॉर्टर साइड कौन सी है, ये वाला, और दिस आर द लॉन्गर साइड्स, है ना, रेक्टेंगुलर शेप। चलो क्या बोला है यहाँ पे देख लेते हैं, क्या बोला है इन्होंने, आर सिटिंग ऑन द रेक्टेंगुलर टेबल दैट 3 persons आर सिटिंग ऑन द लॉन्गर साइड एंड फेसिंग इन साइड, ठीक है? तो ड्रॉ कर लेते, एक दो और तीन, एक दो और तीन, ठीक है? एंड रिमेनिंग टू ईच वन ऑन द स्मॉलर साइड फेसिंग द आउटसाइड। मतलब जो बचे हुए लोग हैं वो शॉर्टर साइड पे है, ईच ऑन द शॉर्टर साइड एंड फेसिंग द आउटवर्ड, एंड जो ये जो तीन लोग है दे आर फेसिंग इनसाइड, ठीक है? दे आर फेसिंग इनसाइड, दे आर फेसिंग इनसाइड एंड दे आर फेसिंग आउटसाइड। ओके चलो, आई होप यू गॉट दिस। इतना तो बन गया होगा इस तरह से। चलो आगे क्या इंफॉर्मेशन है पढ़ लेते। टी एंड डब्ल्यू आर इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ईच अदर, ठीक है? टी एंड डब्ल्यू आर इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ईच अदर, कहाँ रखेंगे? बहुत सारी जगह है तो क्या करते, हम रख लेते इसको। टी पहला पॉइंट लिख के रख देते हैं, द फर्स्ट पॉइंट, मतलब नोटेशन बनाना चालू कर दो। जैसे ही आपने पहला सेंटेंस पढ़ा तो नोटेशन बनाना चालू कर दो, ठीक है? तो पहला पॉइंट क्या है यहाँ पे बोला है, पहला पॉइंट, टी एंड डब्ल्यू आर इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ईच अदर, ठीक है? टी एंड डब्ल्यू आर इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ईच अदर बोला है, ठीक है? तो इस तरह से करके रख देते हैं, ठीक है? बोथ आर इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ईच अदर, दोनों का। इसका क्या मतलब होता है, एक तो कंक्लूजन यहां से क्लियर है, उनका दोनों का लेफ्ट आना चाहिए, तो कहां पे बैठना पड़ेगा, तो एक का आउटवर्ड फेसिंग होगा, एक का इनवर्ड फेसिंग होगा। ये यहां से कंक्लूजन निकल सकता है, एक आउटवर्ड फेसिंग होगा, एक इनवर्ड फेसिंग होगा, तभी उनका लेफ्ट आ सकता है, अदरवाइज कभी भी लेफ्ट नहीं आ सकता। गेटिंग? तो कहां कहां हो सकते हैं इससे कंक्लूजन, टी को यहां रखा तो डब्ल्यू यहां होगा, टी को अगर डब्ल्यू अगर टी को यहां रखा तो डब्ल्यू यहां होगा। करिंग? दूसरी चीज, अगर मैंने टी को यहां रखा तो डब्ल्यू यहां होगा, यहां पे अगर रखा तो यहां होगा, मींस देर आर मोर, देर आर एन नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज हियर। गेटिंग? चलो आगे कुछ देखते हैं। आर इज एन इमीडिएट राइट ऑफ टी, आर इज एन इमीडिएट राइट ऑफ टी, ठीक है? अब टी प्लेस नहीं किया तो मुझे ऐसा लगता है दो ही केसेस बनेंगी, यहां पे हम रेक्टेंगुलर शेप पे रख सकते हैं। कैसे? अगर सपोज मैंने टी यहां रखा तो डब्ल्यू यहां रख सकते हैं, और दूसरा अगर मैं सपोज केस बना दूं यहां से, दूसरा केस अगर बना दूं इस तरह से, तो अगर मैंने यहां पे डब्ल्यू अगर रखा तो यहां पे टी रख सकता, ठीक है? तो साइमल्टेनियसली कर सकते हैं, लेकिन पहले क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को रीड कर देते हैं और नोटेशन फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं, ठीक है? चलो लेट्स गो अहेड नाउ। आगे क्या बोला है, आगे क्या बोला, टी इज एन आर इमीडिएट नियर, आर इज एन इमीडिएट राइट ऑफ टी, आर इज एन दूसरा पॉइंट है, आर इज इमीडिएट राइट ऑफ टी, टी के इमीडिएट राइट में कौन है, इमीडिएट राइट में है आर, ठीक है? एंड बट नॉट अपोजिट टू डब्ल्यू, बट मतलब बट के बाद जो सेंटेंस आता है वो है स्टार्टिंग वाले के लिए, आर इज नॉट अपोजिट टू डब्ल्यू, आर इज नॉट अपोजिट टू डब्ल्यू, मतलब ऐसा ऐसा हम नोटेशन में निकाल लेते हैं, आर इज नॉट अपोजिट टू डब्ल्यू, आर इज नॉट अपोजिट टू डब्ल्यू, ऐसा कर देते हैं, आर इज नॉट अपोजिट टू डब्ल्यू, ठीक है? इस तरह से पी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ डब्ल्यू, पी सिट्स तीसरा पॉइंट, पी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ डब्ल्यू, राइट कर देते हैं, पी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ डब्ल्यू। डब्ल्यू हु आया यहाँ पे, देखो हु क्या बोलता है, डब्ल्यू इज नॉट नेबर ऑफ एस। चलो फोर्थ पॉइंट में लिख देता हूं, डब्ल्यू इज नॉट नेबर ऑफ एस, ठीक है? क्यू सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एस, क्यू सिट्स, पांचवा पॉइंट में यहां लिखता हूँ, पांचवा पॉइंट यहां लिखता हूँ, क्यू सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एस, क्यू सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एस, ठीक है? क्यू सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एस, बट नॉट अपोजिट टू आर, मतलब जो बट वाला सेंटेंस है ये क्यू के लिए बोल रहा, मतलब क्यू इज नॉट अपोजिट टू आर, क्यू इज नॉट अपोजिट टू आर, ठीक है? हु
जो आया है मतलब आर के लिए, आर इज नॉट नेबर ऑफ यू, सिक्स पॉइंट क्या है, आर इज नॉट नेबर ऑफ यू, ठीक है। इंफॉर्मेशन सारी हो चुकी है, बस हमें प्लेस करना है। अभी प्लेस करके देख लेते हैं, कोई डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन थी ही नहीं, है ना, क्योंकि एक भी पोजीशंस किसी की फिक्स नहीं थी। एक पोजीशंस अगर एटलीस्ट किसी की फिक्स हुई होती तो हम बाकी का इन्फॉर्मेशन को रख सकते थे रिलेट करके, लेकिन यहाँ पे किसी का प्लेस भी फिक्स नहीं है। चलो क्लू नंबर वन को पिकअप करते हैं, क्लू नंबर फर्स्ट को। चलो मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ यहाँ पे, चलो दूसरा कलर ले लो। क्लू नंबर फर्स्ट को पिकअप कर लिया तो क्या होना चाहिए, उसने क्या बोला है, टी एंड डब्ल्यू आर इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ईच अदर। तो मैं सपोज अगर टी को यहां रख देता हूं तो डब्ल्यू को यहां रखना पड़ेगा, गेटिंग। चलो दूसरी भी ड्राइंग कर लेते हैं साइमल्टेनियसली, दूसरा डायग्राम निकालना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि दूसरी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, यहां पे रख देता हूं मैं, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, किसी का आंसर आया क्या आप में से, एनीवन, ऐसा, ठीक है, एंड ऑल आर फेसिंग टुवर्ड द सेंटर लाइक दिस। चलो दूसरा क्या हो सकता है पॉसिबिलिटीज, दूसरी पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती है कि हम टी को यहां रख देते हैं और डब्ल्यू को यहां रख देते हैं। अब आप बोलोगे कि यहां पे तो हो सकता है ना, यहाँ पे भी हो सकता है, आप बोलोगे यहाँ हो सकता है, लेकिन अगर जैसे ही मैंने इसको रोटेट कर दिया, इसको अगर रोटेट कर दिया तो सेम ही बनेगा, ठीक है। इसको अगर रोटेट कर लो आप, रोटेट करने के बाद आपका क्या बनेगा, सेम ही अरेंजमेंट, मतलब ये दो ही पॉसिबिलिटीज बनेगी, ठीक है, दो ही पॉसिबिलिटीज, एक तो टी डब्ल्यू ऐसा होगा या फिर डब्ल्यू टी होगा, गेटिंग। क्योंकि अगर इसको आप रोटेट करोगे पूरा घुमाओगे तो ये वाली अरेंजमेंट मिलेगी यहाँ पे रखने जैसा, ठीक है। चलो कंटिन्यू करते हैं, ये पॉइंट के हो चुका है। अब आगे देखिए टी से रिलेटेड क्या क्या इंफॉर्मेशन है। दूसरा पॉइंट देखो क्या है, टी आर इज एन इमीडिएट राइट ऑफ टी, आर इज एन, तो यहां पे रख देते हैं आर को, यहां इस केस में आर इज एन इमीडिएट राइट ऑफ टी, ठीक है, एंड आर अपोजिट डब्ल्यू को नहीं है, आर इज नॉट अपोजिट टू डब्ल्यू अकॉर्डिंग टू दिस पॉइंट। देखो मैं सेंटेंस नहीं पढ़ रहा हूं, नोटेशन पढ़ रहा हूं, R is not opposite to W. आपके नोटेशन आपको समझ में आना चाहिए कि आपने किस लैंग्वेज में उसको लिखा। R is not opposite to W, यहाँ पे दिख रहा है, तो R is not opposite to W मतलब this goes wrong, ठीक है, ये अरेंजमेंट नहीं, क्योंकि यहाँ पे R तो opposite के W में आया, मतलब this goes wrong, तो R opposite to W आया नहीं है, मतलब ये सही चल रहा, ठीक है। चलो this goes wrong, आगे देखते हैं कोई R से रिलेटेड और कोई इंफॉर्मेशन है क्या, देख लेते हैं। देखो R के बाजू में U नहीं है, आर के बाजू में नहीं है, यू नहीं है, तो यहाँ पे क्रॉस करके रख देते हैं, ये भी पॉइंट हमने यूज कर दिया है, ठीक है। आगे क्या है, डब्ल्यू और एस की इंफॉर्मेशन है, डब्ल्यू और एस आजू बाजू में नहीं है, यहाँ पे क्या बोला है, डब्ल्यू इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ एस, तो एस यहाँ नहीं है, गेटिंग, एस यहाँ नहीं है। देखो और तीसरा पॉइंट क्या है, डब्ल्यू और पी से रिलेटेड है, डब्ल्यू और पी से रिलेटेड है, डब्ल्यू के थर्ड राइट में पी है, डब्ल्यू के थर्ड राइट में मतलब एक दो और तीन, ठीक है, दो लोग छोड़ के तो पी मस्ट बी हियर, गेटिंग, पी मस्ट बी हियर। चलो ये भी पॉइंट हो चुका है, आगे चलते हैं, अब क्या रिलेट कर सकते हैं हम और कोई पॉइंट, हाँ ये बचा हुआ है, क्यू के सामने आर नहीं है, क्यू के सामने कौन नहीं है, यहाँ पे बोला है देखो, क्यू के सामने आर नहीं है, इट मीन्स आर के सामने क्यू नहीं है, तो क्यू कैन नॉट बी हियर, ठीक है। और कोई पॉइंट है क्या, नहीं है, बस इसके अलावा अब एक ही पॉइंट बचा है हमारे पास, क्यू एन एस वाला, क्यू एन एस वाला, क्यू एन एस वाला क्या बोल रहा है, देखो क्यू एन एस के बीच में एक का गैप होना चाहिए, तो क्यू को कहाँ रख सकते हैं हम, देख लो क्यू को यहाँ रख सकते हैं क्या, यहाँ रख सकते क्या, क्योंकि उसके बीच में एक का गैप कहीं तो भी आना चाहिए, तो नहीं है। क्यू को अगर सपोज यहाँ रखा तो एक दो यहाँ पे एस होना चाहिए, तो नहीं पॉसिबल। क्यू को यहाँ रख दिया तो इस तरफ एस, इस तरफ एस नहीं होगा, कैरिंग, क्यू को सपोज हमने यहां रखा तो उसके बीच में एस को रखना पड़ेगा, तो क्यू यहां भी नहीं हो सकता, तो क्यू के लिए एक ही जगह बचती है, क्यू यहाँ पे, ठीक है। और क्या बोला है आगे, एस के सेकंड लेफ्ट में कौन है, क्यू है, सेकंड लेफ्ट में, एस के सेकंड लेफ्ट में क्यू है, मतलब एस मस्ट बी हियर, एस मस्ट बी हियर, उसके सभी सेकंड लेफ्ट में क्यू होगा, गेटिंग। चलो एवरीथिंग इज सॉर्टेड आउट। आपको आगे क्या बोला है कि आर के बाजू में यू नहीं है, आर के बाजू में यू नहीं है तो यू कहाँ होना चाहिए, तो यू मस्ट बी हियर, गेटिंग, यू मस्ट बी हियर। अब कौन बचा है, अब ये जो बचा हुआ पर्सन वो यहाँ पे रख देते, कौन बचा है अभी, पी क्यू आर एस टी, कौन बचा है, कौन बचा है, पी क्यू आर, पी बचा है, पी भी हो चुका है, आर भी हो चुका है, क्यू हो चुका है, वी है, हाँ, तो वी को यहाँ प्लेस कर देते हैं।
एंड एवरीथिंग इज सॉर्टेड आउट। मैंने दोबारा क्वेश्चन पढ़ा क्या? नहीं पढ़ा। गेटिंग? इसलिए नहीं पढ़ा क्योंकि मैंने सारे क्ल्यूज मेरी लैंग्वेज में मैंने लिख लिए। यही अप्रोच होगा तभी आपकी स्पीड बढ़ती है, नहीं तो क्या करेंगे, एक सेंटेंस पढ़ेंगे, बाद में जाएंगे स्क्रीन पे, फिर से देखेंगे, फिर से जाएंगे, फिर से देखेंगे, तो समझ लो तारे जमीन पे है और पंचवार्षिक योजना है। गेटिंग? 5 ईयर्स प्लान होता है ना, वो होगा। चलो, तो कोई भी एग्जाम क्रैक नहीं होगी उस तरह से, क्योंकि पजल्स को सॉल्व करने का यही और इजीएस्ट तरीका है। आपको नोटेशंस में लिख लो, दोबारा क्वेश्चंस को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गेटिंग? आई होप यू गॉट दिस। चलो लेट मी रिज दिस। ये पहला वाला डायग्राम जो है रॉन्ग हुआ था, क्यों रॉन्ग हुआ तो मैंने बता दिया, तो उसको हटा देता हूं मैं। एंड लेट अस आंसर बेस्ड ऑन दिस सेट। ठीक है, चलो आंसर दे दो, पट से आंसर दे दो। ये भी क्ल्यूज का कोई काम नहीं, आप नोटेशंस में लिख लो। चलो गेटस, लेट अस गो एड नाउ। अरे आंसर दे दो। ऑप्शन नंबर 4। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर 4। हु सिट अपोजिट टू ईच अदर, कौन सी है? ऑप्शन नंबर आरएस है ना, आरएस आर अपोजिट टू ईच अदर। बाकी कोई है क्या उसके अलावा? कोई नहीं है। चलो, हु अमंग द फॉलोइंग सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ यू, सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ यू कौन है? यू कहां है? तो यहां है, सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ पी इज योर आंसर। ठीक है, ओके, चलो लेट अस गो एड नाउ। ओके, what is the position of p with respect to v? What is the position of p with respect to v? बताओ, what is the position of p with respect to v? v यहाँ पे है, p यहाँ पे है। What is the position of p with respect to v? अब यहाँ पे कहीं नहीं बोला है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, तो आप अगर p की अगर लेफ्ट हैंड साइड से v की लेफ्ट हैंड साइड से कंसिडर करते हो तो कुछ अलग आंसर आएगा, राइट हैंड साइड से कंसिडर करते हो तो भी कुछ अलग आंसर आएगा। तो वो डिपेंड अपॉन द ऑप्शंस, ऑप्शंस में देख लो। फोर टू द लेफ्ट है क्या? एक दो तीन चार पांच छह, छठवा आता है, तो आपको देखना है बहुत ज्यादा राइट हैंड साइड में। देख लो V के कितना आता है, क्या आंसर आना चाहिए? सेकंड, सेकंड टू द राइट होना चाहिए, सेकंड टू द राइट, एंड दिस मस्ट बी योर आंसर। ओके, चलो, हु इज इमीडिएट राइट ऑफ W? हु इज इमीडिएट राइट ऑफ W? दैट इज यू। ओके, हाउ मेनी पीपल सिट बिटवीन क्यू एंड W? क्यू एंड W के बीच में कितने लोग बैठते हैं? क्यू एंड W के बीच में कितने लोग बैठते हैं? तो दोनों तरफ से देख लो, लेफ्ट हैंड साइड से देखो, राइट हैंड साइड से देख लो, देयर आर ओनली 3 पर्सन। ओके, आई होप यू गॉट दिस। दिस इज द वेरी क्रूशियल सेट, एक्चुअली एग्जाम लेवल का सेट होता है ये, एग्जाम में ही ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ओके, इनफैक्ट इससे भी डिफिकल्ट क्वेश्चन आते हैं, तो वो वी विल डिस्कस दैट क्वेश्चन लेटर ऑन। गेटिंग? ये इजी लेवल के क्वेश्चन में कर सकता, ठीक है। चलो लेट अस गो अहेड नाउ। लेकिन आप जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये भी क्वेश्चंस इजी लगने लगेंगे। गेटिंग? चलो आगे बढ़ते हैं, लेट अस सी। ओके, सो लीनियर अरेंजमेंट को देखते हैं। सर्कुलर अरेंजमेंट समझ में आया होगा, रेक्टेंगुलर इज सिमिलर टू रेक्टेंगुलर इज सिमिलर टू द सर्कल, ठीक है। उसमें ज्यादा चेंजेस नहीं है, सिर्फ इतना है कि लॉन्गर साइड और शॉर्टर साइड को थोड़ा सा केयरफुली हमें सॉल्व करना है। गेटिंग? चलो, आई होप यू गॉट दिस। अब लीनियर अरेंजमेंट को समझते हैं, लीनियर का मतलब क्या होता है। लीनियर का मतलब होगा एक लाइन में बैठे हुए लोग, ठीक है, लाइक दिस, एक दो तीन चार पांच छह सात, कितने भी हो सकते हैं लाइन में बैठे हुए लोग, ठीक है। सो लेट मी शो यू, ये इमेज होगी इस तरह से बैठे हुए लोग होंगे, ठीक है, कि एक लाइन में बैठे हुए लोग होंगे, कैसे हो सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो ये लीनियर का क्या समझ में आना चाहिए, थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं। तो जब भी है ये लेफ्ट हैंड साइड होगा एंड दिस वुड बी अ राइट हैंड साइड, ठीक है। This is a left hand side and this would be the right hand side. ये standard हमें follow करना। Getting? ये इसलिए हम follow कर रहे हैं क्योंकि हमारे लिए convenient है, ठीक है, हमारे लिए convenient क्योंकि आपका जो left होगा उस person का भी left होगा, हमारा जो right होगा उस person का भी right होगा, इसीलिए हम follow कर रहे हैं। Getting? चलो आगे चलते हैं। तो उसमें types कौन से होते हैं? दो types के आपको majorly question दिखेंगे, single row वाले questions and double row वाले question, ठीक है। तो single row के क्या variations होता है, singles के सब types देख लेते हैं। सिंगल के सब टाइप्स क्या है? व्हेन ऑल आर फेसिंग द नॉर्थ, मतलब सारे लोग नॉर्थ की तरफ फेसिंग वाले लोग हैं। हमें स्टैंडर्ड नोटेशन कैसे फॉलो करना है, लाइक दिस। ये जो हमारी स्टैंडर्ड डायग्राम होती है ना, नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट, लाइक दिस, ठीक है। तो ये नॉर्थ फॉलो हो रहा है। आगे चलते हैं, ऑल आर फेसिंग द साउथ, मतलब सारे लोग साउथ की तरफ फेस करे होंगे, ठीक है, ऑल विल फेसिंग द साउथ। अब जब भी ऐसा साउथ है तो आपके पास दो अप्रोचेस है। अगर सारे लोग साउथ फेसिंग है तो आप क्या कर सकते हो, सबको नॉर्थ कंसीडर करके भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, लेकिन
उसके लिए कंडीशन है आपको लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट बनाते आना चाहिए, ठीक है, तो उसकी एक कंडीशन है। अदरवाइज आप, क्योंकि आपने अगर समझो साउथ फेसिंग वाले लोगों को नॉर्थ फेसिंग अगर सबको कर दिया तो आपके लिए लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड थोड़ा सा इजी हो जाएगा, क्योंकि अगर सारे लोग साउथ में फेसिंग होंगे, सपोज ये पर्सन जी है, ये अगर इस तरफ फेस है तो उसका लेफ्ट इस तरफ होगा ना, लेफ्ट इस तरफ होगा और राइट इस तरफ होगा, तो आपको लेफ्ट एंड राइट में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करोगे तो कुछ भी नहीं होगा, बट थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। तो आप इस डायग्राम को क्या कर दो, ऐसा अगर आपने घुमा दिया 180 डिग्री से अगर उसको घुमा दिया तो नॉर्थ फेसिंग भी उसको कंसिडर कर सकते हो, गेटिंग, चलो, बट इट डिपेंड्स अपॉन योर अंडरस्टैंडिंग एंड योर प्रैक्टिस, ठीक है। तो पहले से ही शुरू में ऐसे स्टंट घर पे ना करें, है ना, वो ऐसा डिस्क्लेमर होता है ना, शुरू में ही ना करें, थोड़ा प्रैक्टिस करने के बाद ऐसे स्टंट कर सकते हो, ठीक है। चलो, तीसरा टाइप है सम फेसिंग द साउथ एंड सम फेसिंग द नॉर्थ। कुछ लोग साउथ फेसिंग होंगे, कुछ लोग नॉर्थ फेसिंग, मतलब ऐसा ही, ऐसा सपोज मान लेते हैं ऐसा कुछ होंगे। अब कुछ मतलब पता नहीं हमें कितने हैं और कितने नहीं, गेटिंग, तो तीनों टाइप्स के आपको क्वेश्चंस दिखेंगे, गेटिंग। चलो, सिंगल रो वाला समझ में आया, अब देखते हैं हम डबल रो वाला क्वेश्चन। डबल रो वाला मतलब डबल रो वाला कैसा, डबल पैरेलल लाइंस वाले क्वेश्चन, ये भी बहुत बार एग्जाम में देखे गए क्वेश्चन, डबल पैरेलल रोज, ठीक है। तो कैसे होंगे, इस तरह का अपीयरेंस दिखेगा आपको, देखो लीनियर अरेंजमेंट इस तरह से दिखेगा। डबल रो मतलब दो लाइंस होंगी और एक दूसरे के सामने बैठे होंगे लोग। देखो यहाँ पे छह लोग दिख रहे हैं, यहाँ पे छह यहाँ पे और छह यहाँ पे है, मीन्स देर आर टोटल 12 पीपल्स, तीन और तीन एक लाइन में। इनका राइट चेंज हो जाता है, इनका राइट इस तरफ होगा, इनका लेफ्ट इस तरफ होगा, ये जो पर्सन है, और इनका जो होगा ये लेफ्ट होगा और ये इनका राइट होगा। माइंड दिस, डबल रो वाले क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन करेंगे हम, लेफ्ट हैंड साइड वाले भी और राइट हैंड साइड वाले भी करेंगे। चलो, आई होप यू गॉट दिस, इस तरह से उसका अरेंजमेंट होगा। लेट अस गो अहेड नाउ। देखो दो वर्ड्स आपको नए मिलेंगे यहाँ पे, कीवर्ड्स आएंगे जो हमेशा कंफ्यूज करते हैं बच्चों को। तो क्या होगा, कीवर्ड्स क्या है, एक आपको दिख रहा है यहाँ पे, एक्सट्रीम राइट और लेफ्ट, ठीक है। एक्सट्रीम राइट मतलब राइट अगर बोला है तो इस तरफ होगा, और एक्सट्रीम लेफ्ट बोला है तो इस तरफ होगा, गेटिंग, एक्सट्रीम लेफ्ट और राइट। एंड एक्सट्रीम एंड्स, जैसे ही ऐसा वर्ड आया एक्सट्रीम एंड्स, इसका क्या मतलब होता है, एक्सट्रीम एंड का मतलब होगा एक तो इस एंड पे बैठेगा या फिर इस एंड पे बैठेगा, दोनों पॉसिबिलिटीज को कंसिडर करके चलना है हमें। जैसे ही आएगा एक्सट्रीम एंड्स तो मतलब होगा इस एंड पे या फिर उस एंड पे, कंसिडर नहीं करना है लेफ्ट और राइट। हाँ, स्पेसिफिकली अगर लेफ्ट और राइट बोला है तो हम कंसिडर करें, गेटिंग। चलो, यहां तक का समझ में आया है तो आई होप यू अंडरस्टूड एवरीथिंग। थोड़ा आगे चलते हैं, लेट मी क्लियर ऑल द ड्रॉइंग्स एंड लेट अस गो अहेड नाउ। क्वेश्चन देखते हैं, इट इज वेरी इजी काइंड ऑफ क्वेश्चन, पट से सॉल्व कर लो, मैं एक मिनट दे रहा हूं, एक मिनट के अंदर अंदर सॉल्व होना चाहिए। इट इज वेरी बेसिक क्वेश्चन, कोई भी एग्जाम में नहीं आता ऐसा क्वेश्चन, सिर्फ आपके टर्म्स को समझने के लिए मैंने ये क्वेश्चन दिया है, आपको टर्म्स समझ में आना चाहिए, गेटिंग। चलो, स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन टू आंसर द गिवन क्वेश्चन। सिक्स पीपल ई एफ सी डी ई एफ जी एच आर आर स्टैंडिंग इन अ स्ट्रेट लाइन फेसिंग द नॉर्थ। गुड न्यूज क्या है, फेसिंग द नॉर्थ जैसे ही आपको क्वेश्चन में दिखा तो हुर्रे कर लेना, क्योंकि आपके लिए आसान हो जाता, ठीक है। क्यों आसान हो जाता, क्योंकि आपका लेफ्ट उस पर्सन का भी लेफ्ट, आपका राइट उस पर्सन का भी राइट, है ना, तो बड़ी खुशी होती है मन ही मन, पर्सनली मुझे भी होती है ऐसा क्वेश्चन अगर दिखा, ठीक है। इज नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, गेटिंग। चलो, डी इज स्टैंडिंग सेकंड टू द राइट ऑफ एफ। पहला पॉइंट क्या है, कितने लोग है तो बना लेते, तीन और तीन छह लोग है, बना लेते एक दो तीन चार पांच छह, हो गया तीन और तीन छह लोग हो गए, बना लेते। क्या बोला है, डी इज स्टैंडिंग सेकंड टू द राइट ऑफ एफ, डी इज स्टैंडिंग सेकंड टू द, तो नोटेशन डी इज स्टैंडिंग सेकंड टू द राइट ऑफ एफ, ठीक है, राइट ऑफ एफ। सी इज स्टैंडिंग फोर टू द लेफ्ट ऑफ एच, पता ही नहीं है तो लिख लेते। दूसरा पॉइंट क्या है, सी इज स्टैंडिंग फोर टू द लेफ्ट ऑफ एच, एच के एक दो तीन चार, तीन लोग बीच में होंगे और क्या है, सी यहां होगा, ठीक है, लेफ्ट बोला ना, सी इज स्टैंडिंग फोर टू द लेफ्ट ऑफ, ओके, तो तीन लोग बीच में होंगे, इस तरह से नोटेशन होगा। आगे चलते, एच इज नॉट स्टैंडिंग एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन, चलो एच यहां नहीं है, वेरी गुड। चलो, अब क्या होना चाहिए, ई इज स्टैंडिंग सेकंड टू द राइट ऑफ डी, ठीक है। अब कोई इंफॉर्मेशन नहीं है हमें, नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, डी इज स्टैंडिंग सेकंड टू द राइट ऑफ एफ, ठीक है। और क्या बोला है, ई इज स्टैंडिंग सेकंड टू द राइट ऑफ डी,
ई स्टैंडिंग, ये यहाँ पे लिख लेते हैं, देखो ई स्टैंडिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ डी, तो यहाँ पे रख देते ई, ठीक है, इस तरह से होना चाहिए। चलो प्लेस करने की कोशिश करते, अभी कोई इन्फॉर्मेशन है क्या? बिल्कुल नहीं है, तो प्लेस करने की कोशिश करते। देखो अगर मैंने सपोज एच यहां नहीं है तो एच को यहां रख सकते हैं, एच को यहां रख के देखते हैं क्योंकि उसके तीन लेफ्ट होना चाहिए, एच को यहां रख के देखते हैं तो एक दो तीन, मतलब सी यहां होगा, गेटिंग, क्योंकि उसने क्या बोला, लेफ्ट बोला है और तीन लोग बीच में छोड़े हैं, सात लोग है कि छह लोग है, तीन और तीन छह ही लोग है ना, ओके सिक्स पीपल, तो बराबर है, चलो तीन हो गया। उसके बाद क्या बोला है, ये तो पॉइंट हो चुका है क्लियर, उसके बाद एफ डी ई, तो एफ डी ई के बीच में एक का गैप होना चाहिए, है ना, एफ डी ई, तो कहां रख दूं मैं, एफ को यहां रख देते क्या, नहीं रख सकते, एफ को यहां रख देते, डी को यहां रख देते और ई को यहां रख देते और इसको हटा देते, गेटिंग सॉल्व, अरे नहीं आ रहा, ओके माउस लेना पड़ेगा, अरे चला गया पीछे, हटा दिया, चलो आया आंसर, किसी का आंसर बस हो गया, ये सॉल्व ही हो गया, यहाँ पे जो बचा हुआ पर्सन होगा कौन बचेगा, सी एफ डी एच ई, कौन बचा है, जी, कौन, जी बचा है, ठीक है, तो दिस इज योर सॉर्टेड आउट। ऐसा इजी क्वेश्चन कहीं नहीं आता, प्री में आया तो आया, ठीक है, लेकिन आपको कैसा अरेंजमेंट होगा उस तरह से बनाते। चलो क्वेश्चन देखते हैं उसके बेसिस पे, क्वेश्चन क्वेश्चन देखते हैं, तो यार ये ड्राइंग नहीं ले सकते अभी आगे, चलो नेक्स्ट स्लाइड पे आता हूं मैं, नेक्स्ट स्लाइड भी जाम हो चुकी है, नेक्स्ट स्लाइड पे आपने स्क्रीनशॉट लिया क्या, स्क्रीनशॉट लेके रख दो पट से, क्या अरेंजमेंट है तो यहाँ पे कॉपी लिख दो, आंसर दे दो पट से, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके रख देते हैं उसका, बोलो आंसर क्या है, व्हाट इज आंसर, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ जी विद रिस्पेक्ट टू ई, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ जी विद रिस्पेक्ट टू ई, व्हाट इज पोजीशन ऑफ जी विद रिस्पेक्ट टू ई, तो आंसर कर लेंगे क्या उसका, थर्ड लेफ्ट, हाँ वेरी गुड, जी और ई का आया है आंसर, तो इसके आंसर कर लेना, ये एक्चुअली कॉपी नहीं हो रहा है नेक्स्ट स्लाइड पे, ये कॉपी नहीं हो रहा क्योंकि मैंने स्लाइड पे किया है, ठीक है, कॉपी नहीं हो रहा है, तो ये आप आंसर कर लेना, बहुत इजी क्वेश्चन है वो, टाइम पास नहीं करते इसमें, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन के आंसर कर लेना, सेट बनाना इंपॉर्टेंट है, आंसर कर लेना, आप कर लेना इसके आंसर, ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं वही, अब देखो डबल रो वाला, सिक्स पर्सन उमाकांत एंड ऑल आर स्विफ्ट पार्क्स वगैरह, वैगनर इज नॉट पार्किंग इन द लॉट, थ्री कार्स एग्जैक्टली अपोजिट टू द थ्री कार्स, इसका क्या मतलब है, दो रो में बैठे हुआ इस तरह से, थ्री कार्स इन ईच रो, एक रो में थ्री कार्स है, सिक्स पीपल इकानंद सोमान सोमेश उमेश सदानंद रमेश वगैरह वगैरह, इनके पास क्या है, अभी दो वेरिएबल्स है उसमें, दो वेरिएबल्स वाला क्वेश्चन है, इनके पास क्या है, कार भी है और पर्सन का नाम भी है और दो रो वाले क्वेश्चन है, तो अब एक बात समझ लो, ये इनका लेफ्ट इस तरफ हो जाएगा, इनका लेफ्ट क्या हो जाएगा, इस तरफ और राइट इस तरफ हो जाएगा, कौन से पर्सन का, जो इस रो में बैठे हुए लोग, एंड इस पर्सन का लेफ्ट ये होगा एंड राइट ये होगा, ठीक है, बिकॉज दे आर फेसिंग टुवर्ड दिस डायरेक्शन, ऐसे एक दूसरे के सामने वो बैठे हुए हैं, ऐसा उनका कहना है, गेटिंग, चलो लेट अस ट्राई टू सॉल्व, लेट अस ट्राई टू सॉल्व दिस, क्वेश्चन को एक बार पढ़ लो, क्वेश्चन को एक बार पढ़ लो, क्या बोला है, सदानंद's कार इज एग्जैक्टली अपोजिट टू द दिनेश's कार, ठीक है, पॉइंट नंबर वन क्या कहता है, पॉइंट नंबर वन, सदानंद's कार, सदानंद की जो भी कार है, विच इज एग्जैक्टली अपोजिट टू द दिनेश की कार, हु हैज अ स्कॉर्पियो, हु हैज स्कॉर्पियो, आगे क्या, हु किसके लिए आया, ये दिनेश के लिए आया, गेटिंग, दिनेश हैज अ स्कॉर्पियो, मतलब दिनेश के पास कौन सी गाड़ी है, स्कॉर्पियो है, स्कॉर्पियो, ठीक है, इकानंद's कार स्विफ्ट, इकानंद की कार कौन सी है, स्विफ्ट इज डायगोनली अपोजिट टू द उमेश कार, डायगोनली, डायगोनली का मतलब क्या होगा, ऐसा, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है, गेटिंग, ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है, डायगोनली,
डायगोनली इस तरह से गेटिंग, तो डायगोनली रख के देखते हैं क्या इकानंदस कार क्या है, दिनेश क्या बोले, इकानंदस कार इज स्विफ्ट इज डायगोनली अपोजिट टू उमेश कार, तो यहाँ पे रख देते हैं किसकी, एक एक केस मान लेते हैं इकानंद यहाँ पे और उमेश यहाँ होगा, ठीक है। दिनेश की कार स्कॉर्पियो, सॉरी इकानंदस कार स्विफ्ट, इकानंद की कार कौन सी है, स्विफ्ट है, इज डायगोनली अपोजिट टू द उमेश कार, तो डायगोनली अपोजिट होगा ऐसा, ठीक है अपोजिट, लेकिन ये जरूरी नहीं है, यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे कौन हो सकता है, यहाँ पे इकानंद हो सकता है और उमेश इस तरफ भी हो सकता है, ठीक है। सो लेट अस ड्रॉ अनदर डायग्राम पैरेलली, साथ में ही लेके चलते हैं साइमल्टेनियसली, तो इस केस में क्या करते हैं, चलो इकानंद को यहाँ पे रख देते हैं, इकानंद को यहाँ रख देते और उमेश को यहाँ रख देते, ठीक है उमेश को यहाँ रख दिया, और इसकी गाड़ी कौन सी है, स्विफ्ट है, ठीक है बड़ा गरीब है, ठीक है। उमेश की कार हमें नहीं पता कौन सी है, उमेश तो बैठा होगा ना क्योंकि कार के साथ ही पार्किंग है, उसकी कार बाद में ढूंढ लेते हैं, चलो आगे चलते। उसके बाद क्या बोला है, I-20 is parked immediate left of Scorpio. अब Scorpio कहाँ रखेंगे हमें पता ही नहीं, तो यहाँ रख देते हैं। उसके इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, लेफ्ट में Scorpio के लेफ्ट में कौन है, I-20 है, ठीक है उसके इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, Scorpio है। अब यही से हम कुछ कंक्लूड कर सकते क्या, बताओ जरा कंक्लूड कर सकते क्या, देखो यहाँ पे एकानंद है, यहाँ पे उमेश है, और सदानंद के फ्रंट पे कौन बैठा हुआ है, सदानंद के फ्रंट पे बैठा हुआ है दिनेश, दिनेश बैठा हुआ है, तो क्या दिनेश यहाँ हो सकता है, क्या सदानंद यहाँ हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, यहाँ दिनेश हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, मतलब उनकी पोजीशंस फिक्स हो चुकी है, दोनों भी बीच में बैठे हुए हैं, बोथ आर सीटेड इन द मिडिल, ठीक है, लेकिन कौन कैसा बैठा है हमें नहीं पता, ठीक है कौन कैसा बैठा है नहीं पता, तो दिनेश, अब देखो ये पॉइंट को हम पिकअप करने की कोशिश करते हैं, अगर सपोज मान लेते हम दिनेश को अगर यहाँ रख दिया इस केस में, तो दिनेश के इमीडिएट लेफ्ट में क्या होना चाहिए, I-20 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी स्विफ्ट है, मतलब दिनेश कैन नॉट बी हियर, दिनेश को अगर सपोज मैंने यहाँ रख दिया तो उसके इमीडिएट लेफ्ट में क्या होना चाहिए, I-20, तो ये पॉसिबल है, और दिनेश को क्या है, स्कॉर्पियो, ठीक है तो ऐसा रख देते हैं, और उसके अपोजिट कौन है, सदानंदा, सदानंद साहब, ठीक है चलो यहाँ पे रख दिया। इस केस की बात करते हैं, तो चलो इस केस की बात करते हैं, अगर सपोज मैंने दिनेश को यहाँ रखा तो उसके राइट लेफ्ट हैंड साइड में कौन हो जाएगा, यहां अगर दिनेश को रखे तो लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा I-20, ठीक है तो पॉसिबिलिटी है यहाँ पे दिनेश को हम रख सकते हैं, अगर सपोज हमने दिनेश को यहाँ रखा तो उसके लेफ्ट हैंड साइड में I-20 होगी, ठीक है तो दो पॉसिबिलिटी है, मतलब दिनेश को यहाँ भी रख सकते हैं, दिनेश को यहाँ भी रख सकते हैं, तो रख सकते हैं तो रखेंगे क्यों, आगे पढ़ेंगे कुछ इन्फॉर्मेशन होगी, इस केस में बिल्कुल श्योर था तो हमने रख लिया, गेटिंग, चलो आगे चलते हैं, दिस इज केस नंबर 1 एंड दिस इज केस नंबर 2, ठीक है आगे पढ़ते हैं। I-20 इज पार्क्ड इमीडिएट लेफ्ट ऑफ स्कॉर्पियो but not opposite to the Swift. I-20 is not opposite to the Swift. एक पॉइंट क्या है, I-20 के सामने कौन नहीं है, Swift नहीं है, तो I-20 के सामने यहाँ Swift है क्या, नहीं है। सपोज इस केस में अगर सपोज हमने यहाँ कर दिया, यहाँ पे अगर दिनेश रखा तो उसके लेफ्ट हैंड साइड में कौन हो जाता था, I-20, ऐसा हो जाता, getting? अगर दिनेश को यहाँ रखा तो I-20 यहाँ हो जाता, और उसके अपोजिट में कौन है, सदानंदा, ठीक है ये पॉसिबिलिटी हो जाती, और दिनेश के अपोजिट में कौन है, स्विफ्ट है। आगे क्या बोला है कि I-20 is parked immediate left of Scorpio but not opposite to the Swift, तो दोनों केस में हो गया, स्विफ्ट के अपोजिट में नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, स्विफ्ट के अपोजिट में नहीं है, I-20 है क्या, दिनेश के लेफ्ट हैंड साइड में है ना, और दिनेश की कौन सी गाड़ी है, स्कॉर्पियो, ठीक है, और उसके लेफ्ट हैंड साइड में कौन है, I-20, ये सेटिस्फाइड हो चुका है, और उसके सामने है सदानंदा, ठीक है चलो दो ये साइड्स हैं। आगे बढ़ते हैं, यहां तक तो सब कुछ सही चल रहा है, जैसे बोला है वैसे ही चल रहा है, आगे देखते हैं। वैगनर फिगो एंड स्विफ्ट आर इन द सेम रो, वैगनर फिगो एंड स्विफ्ट आर इन द सेम, स्विफ्ट I-20 स्कॉर्पियो एक लाइन में है, मतलब ये गलत हुआ, इस केस में स्विफ्ट सदानंद और I-20 नहीं, वैगनर, वैगनर एंड फिगो होना चाहिए ना, तो वैगनर एंड फिगो एक लाइन में आ सकता है, यहाँ पे तो जगह ही नहीं बची ना, दो कार ऑलरेडी I-20 और स्कॉर्पियो ऑलरेडी हो चुका था, तो नहीं हो सकता, तो ये डायग्राम पूरा गलत हुआ, ठीक है तो यहाँ पे रख के देखते हैं, तो यहाँ पे कौन आना चाहिए,
अब देखो वैगनर और सदानंद यहाँ पे दोनों चीजें हैं, वैगनर और फिगो इसी लाइन में आना है 101% क्या है इसी लाइन में आना है क्योंकि स्विप तो ऑलरेडी हो चुका है। आगे पढ़ते, फिगो इज ओन्ड बाय द पर्सन हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ लेटर्स इन हिज नेम। कौन है, कौन पर्सन है ऐसा जिसके मैक्सिमम लेटर्स है, मतलब जिसके नाम में मैक्सिमम लेटर्स है, कौन है? सदानंद। सदानंद, वेरी गुड। सदानंद, सदानंद की कौन सी गाड़ी है? You definitely deserve a gift hamper. इसका साइमल्टेनियसली क्लास चल रहा है क्या उधर? चलो ये इरेज कर देता हूं मैं, ये केस को इरेज कर देता हूं। चलो फिगो हो गया, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? वैगनर। बाकी कोई इन्फॉर्मेशन है क्या? नहीं है तो वैसा ही रख देते उसे, ठीक है? कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है जैसे कि वैसे ही रख देते, ठीक है? चलो आते क्वेश्चन पे, क्वेश्चन पे आते हैं। उमेश हु हैज I-20, I-20 किसकी है? I-20 किसके पास है? उमेश के पास। योर आंसर इज उमेश। ओके, विच कार इज पार्क अपोजिट टू वैगनर? वैगनर के अपोजिट में कौन सी कार है? तो I-20 है। योर आंसर I-20, वेरी गुड। विच कार इज ओन्ड बाय सोमेश? सोमेश के पास कौन सी कार है? सोमेश के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, मतलब विच कार इज ओन्ड बाय सोमेश, तो हमारा आंसर होना चाहिए इधर या ऑप्शन नंबर 4, XUV और वैगना, ठीक है? क्योंकि उनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन, अभी जो दो प्लेसेस खाली है, सोमेश और कौन पर्सन बचा हुआ था? सोमेश और कौन है? राकेश, रमेश, है ना? रमेश सुरेश वाले, सोमेश और रमेश, तो ये दोनों में से कोई तो भी हो सकता है, रमेश या फिर सोमेश, तो ये आइदर और वाली इन्फॉर्मेशन है, तो हमें दोनों में से आंसर देना पड़ेगा, और वैसे प्रोवाइडेड भी है ऑप्शन में। क्या चलो, आई होप यू गॉट दिस, स्क्रीनशॉट ले लेना उसका, आगे चलते हैं। अब आप इसका टेंशन मत ले लीजिए, क्वेश्चन आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा, पूरी पीडीएफ इसकी जो स्लाइड शो है उसका पीडीएफ मैं प्रोवाइड कर दूंगा, सिर्फ आपको सॉल्यूशंस को कॉपी करना है। गेटिंग, चलो लेट्स गो अहेड नाउ, लेट्स गो अहेड नाउ। ओके, इट इज 7:30 यार, आजकल ना बड़ा प्रॉब्लम होता है। ओके चलो, 12% एक और डिफिकल्ट वाला क्वेश्चन ले लू, और एक डिफिकल्ट वाला क्वेश्चन मतलब दो रो वाला क्वेश्चन है, और उसमें बहुत सारे पर्सन बैठे, पिछले केस में कितने लोग बैठे थे? सिर्फ 3 ही लोग बैठे थे, बट ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है कि 3 ही लोग होंगे, ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है? चलो तो थोड़ा और डिफिकल्ट क्वेश्चन कर लेते। क्या दिया है इसमें? 12% आर सिटिंग इन टू पैरेलल लाइंस, देयर आर 6 पीपल इन ईच रो सिटिंग फेसिंग अ पर्सन ऑफ द अदर रो। In the first row, A, B, C, D are seated. All of them are facing south. Okay. Read the question properly. Read the question properly. Read the question properly. Chalo. Read the question properly. A, B, C, D, E, F, G, all are, matlab, kya bola hai? 12 friends are sitting in two parallel rows. Matlab, similar to the previous question. Similar to the previous question. सिमिलर टू द प्रीवियस क्वेश्चन। ऐसा क्यों हो रहा? ओके, ठीक है, ड्राइंग किया। ओके, सिमिलर टू द प्रीवियस क्वेश्चन, टू पैरेलल रोज, तो बना लेते हैं दो पैरेलल रोज बना लेते हैं। 2, 3, 4, 5, 6 लोग है ना, टू पैरेलल, देर आर 6 पर्सन। ओके, 6% इन ईच रो, आगे क्या बोला है? 6% इन ईच रो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है? चलो लेट मी शिफ्ट इट एट अनदर प्लेस अगेन, थोड़ा सा डाउन कर लेते हैं, ठीक है? आगे क्या बोला है इंफॉर्मेशन? इन द रो फर्स्ट, ए बी सी डी ई एफ जी आर सीटेड, ऑल ऑफ देम आर फेसिंग साउथ। पहली रो में सारे लोग फेसिंग है, दे आर फेसिंग साउथ वर्ड, ए बी सी डी, यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ इस तरह से। एंड दूसरी रो में क्या है? इन द सेकेंड रो पी क्यू आर एस टी आर देयर एंड दे आर फेसिंग नॉर्थ, पी क्यू आर एस टी यहाँ पे होगा, ऑल आर सीटेड एंड फेसिंग, ऑल आर फेसिंग द नॉर्थ डायरेक्शन, मतलब यहाँ पे जो पर्सन बैठे हैं इनका फेस इस तरह से है, और यहाँ पे जो पर्सन बैठे हुए हैं इनका फेस इस तरह से है, गेटिंग? ऑल पर्सन बोला, ठीक है? चलो, तो इनका लेफ्ट एंड राइट तो क्लियर हुआ होगा, पहले ही बताया मैंने। अब क्या बोला है? ईच ऑफ देम नोज डिफरेंट इंडियन लैंग्वेज, अलग अलग लैंग्वेज उनको पता है, हिंदी, बंगाली, मलयालम, उड़िया,
आसामी भोजपुरी मराठी तेलुगु एंड ऑल दिस दिस ठीक है बट नॉट नेसेसरीली इन द सेम ऑर्डर नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर सी हु नोज आसामी पहला पॉइंट चालू हो जाता है यहाँ पे सी हु नोज आसामी सी को क्या पसंद है क्या फिर क्या क्या पता है कौन सी लैंग्वेज पसंद है तो आसामी पता है ना सी नोज आसामी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी अब पता ही नहीं कहाँ बिठाएंगे क्योंकि थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ तो लिख के रख देते यहाँ पे लिखू क्या मैं सी सीट क्योंकि इस रो की इन्फॉर्मेशन में उबर लिखता हूँ यहाँ पे चलो ठीक है दूसरा पॉइंट लिखता हूँ सी सीट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी कितना है थर्ड है ना तो दो लोग बीच में आएंगे ठीक है दो लोग बीच में लेफ्ट ऑफ बी सी सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी क्योंकि कहाँ रखेंगे हम नहीं पता सी इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ ईदर ई और ए सी इज नॉट तीसरा पॉइंट सी इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ ईदर किसका इमीडिएट नेबर नहीं है ई का भी नहीं है और ए का भी नहीं है ई का भी नहीं है कॉमा मतलब इन दोनों का भी नहीं है गेटिंग चलो पी नो पी हु नोज पंजाबी पी हु नोज पंजाबी पी को क्या पसंद है हु नोज पंजाबी चलो फोर्थ पॉइंट लिखता हूं पी हु नोज पंजाबी पी हु नोज पंजाबी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एस ठीक है क्या बोला है सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ पांचवा पॉइंट है P sits third to the right of S. तो S के third right में कौन है P है सॉरी अब यहाँ पे ऐसा करना पड़ेगा P sits third to the right of S. ठीक है And आगे क्या बोला है देखो neither P nor S sits at the extreme end of the row. Extreme end मैंने क्या बोला था एकदम last वाले तो क्या बोला है P यहां नहीं है और P यहां नहीं है इस रो में अगर यहां पे नहीं है और इस पॉइंट को आप साथ में पिकअप कर लोगे तो क्या हो रहा है देख लो क्या बोला था पिछला पॉइंट क्या बोला था कि P हु नोज पंजाबी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ S थर्ड टू द राइट ऑफ S और आगे क्या बोला है नीदर P नॉर S सिट एट द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो तो क्या है मतलब पी यहां नहीं एस यहां नहीं एस यहां नहीं तो कहां होना चाहिए देखो दो लोग उनके बीच में छोड़ना है मतलब डेफिनेटली इनकी ऑर्डर यहां पे होगी तो पी और एस तो एस को यहां रख देते पी को यहां रख देते उनकी पोजीशन बिल्कुल फिक्स हो चुकी है गेटिंग उनकी पोजीशन बिल्कुल फिक्स हो चुकी है ठीक है क्यों क्योंकि वो दोनों एस और पी एक्सट्रीम एंड पे नहीं थे और इस पॉइंट की हेल्प से हमने उसको बीच में रख दिया गेटिंग चलो लेट अस गो अहेड नाउ अब क्या इन्फॉर्मेशन है क्या कुछ एस और पी से रिलेटेड और कोई इन्फॉर्मेशन है देखो पॉइंट नंबर फोर क्या कह रहा है कि पी को पंजाबी पसंद है ठीक है मतलब पता है पी को पंजाबी पसंद है और पी से रिलेटेड और एस से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है नहीं है चलो आगे पढ़ते हैं आगे बढ़ते यहां तक समझ लिया आगे पढ़ते हैं नीदर एस नॉर एस हो गया ई हु नोज हिंदी ई को क्या पसंद है अब ई की कोई इन्फॉर्मेशन अभी तक आई नहीं तो क्या करते हैं उसको हमने लिख देना है कहां लिख देना है एक कॉर्नर में लिख देता हूं मैं ई को क्या पसंद है भैया छठवा पॉइंट होता है ई हु नोज हिंदी ई को क्या पसंद है ही नोज हिंदी फेसेस द वन देखो ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है फेसेस मतलब उसके सामने बैठा है फेसेस द वन हु नोज तेलुगु हु नोज तेलुगु फेसेस द वन हु नोज तेलुगु क्या है तेलुगु फेसेस द वन हु नोज तेलुगु मतलब ई किसके सामने बैठता है तेलुगु के सामने है ना ई faces the person who knows Telugu. इस तरह से हमने ड्रॉइंग कर दिया आगे चलते हैं ओके एफ हु नोज मलयालम एफ क्या है एफ को मलयालम पसंद है पता ही नहीं एफ तो आया ही नहीं है सो लेट अस टेक अनदर साइड हियर एफ हु नोज मलयालम मलयालम है ठीक है एफ हु नोज मलयालम faces the O. एफ के सामने कौन है O है Who sits second to the left of T? कौन O sits second to the left of T. O sits second to the left of T. यहाँ पे रख दिया चलो ठीक है And does not know Odia. And does not know माइक किसी का है तो बंद कर दो प्लीज 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 किसका माइक है आप बंद कर दीजिए प्लीज क्या बोला है ओ सिट्स टू द सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ टी एंड डज नॉट नो ओडिया कौन नहीं होता ये देखो एंड के बाद की इंफॉर्मेशन है माइक किसका है तो प्लीज ऑफ कर दीजिए अरे गाने भी गा रहे हैं
पति भी आए ना। अरे आज मुझे माइक किसका है? एक सेकंड, मैं यहाँ से ढूंढ लेता हूँ किसका माइक है। उनका माइक को ऑफ कर देता हूँ, वो ऐसा कंडीशन ना हो जाए माइक का। हाँ करश म्यूट कर देता हूँ उनको मैं। ओके कर दिया मैंने, चलो परस्पति का था। ओके चलो यहाँ तक थे। इससे क्या होता है, फ्लो डूबता है। आगे आ गए थे मलयालम, हु नोज मलयालम, हु सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ टी, ओके एंड डज नॉट नो ओडिया, उसको ओडिया पसंद नहीं है। क्या है उनको ओडिया, किसको? ओ को पसंद नहीं है, किसे? ओ को ओडिया पसंद नहीं है। तो यहां पे लिख दो ओडिया उसे पता नहीं है, ओडिया पसंद नहीं है, पता नहीं है। ओके चलो ऐसा हुआ है। टी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ एस, टी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ एस, टी इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ एस। चलो ठीक है, टी यहां नहीं, टी यहां नहीं, तो टी कहां हो सकता है? टी यहां हो सकता है, टी यहां हो सकता है। अगर सपोज मैंने टी को यहां रख दिया तो उसके सेकंड लेफ्ट में मुझे ओ चाहिए। टी को अगर सपोज हमने यहां रखा तो उसके सेकंड लेफ्ट में क्या होना चाहिए? तो ओ होना चाहिए। अगर यहाँ पे ओ नहीं, ऑलरेडी हैज बैठा है, मतलब टी कैन नॉट बी हियर, तो टी के लिए एक ही पोजीशन बचती है यहाँ पे, और उसके सेकंड लेफ्ट में कौन होना चाहिए? वो हो गया ओ। और ओ को क्या पसंद है? ओडिया पसंद नहीं है, ठीक है, ये पसंद नहीं है। अभी देखो उसके साथ साथ एक पॉइंट क्लियर हो जाता, उसके सामने कौन बैठा है? तो एफ यहां बैठा है, उसको क्या पसंद है? तो मलयालम पसंद है। गेटिंग, ये भी पॉइंट क्लियर हुआ। चलो ये सारी इंफॉर्मेशन हमने यूज कर दी, ठीक है, चलो यूज कर दी इसको हमने। अब इससे रिलेटेड और कोई पॉइंट्स अगर है, एफ ओ एस सी रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन है तो हम कनेक्ट कर सकते हैं। ये भी पॉइंट हमने यूज कर लिया, ये भी नहीं, ये बाकी है, बाकी तो नहीं है। अब देखो सी एन बी को रख सकते क्या हम? देखो सी के बी के लेफ्ट में चाहिए, बी अगर यहां रखा हमने तो 2% छोड़ के, मतलब बी कैन नॉट बी हियर, बी को यहां रख दिया 2% छोड़ के यहाँ पे सी हो सकता है, और बी को अगर यहां रख दिया तो 2% छोड़ के, मतलब बी के लिए अभी भी दो पॉसिबिलिटीज, बी के लिए अभी भी दो पॉसिबिलिटीज है, हम रख नहीं सकते। तो चलो आगे चलते थोड़ा सा। Only two people sit between the Q and T. Q and T के बीच में कितने लोग हैं? सिर्फ दो लोग बैठते हैं, तो T तो ऑलरेडी प्लेस है तो वहां पे Q रख देते। ओके एंड हु नोज तमिल, कौन? टी नोज तमिल, टी नोज तमिल, तो लिख दिया, सॉरी टी नोज तमिल एंड हरियाणवी रिस्पेक्टिवली है, पूरा सेंटेंस नहीं पढ़ा था मैंने। हु नोज तमिल एंड हरियाणवी रिस्पेक्टिवली है, इसका क्या मतलब है? Q को तमिल पसंद है एंड T को हरियाणवी पसंद है, ठीक है, T को तमिल पसंद है और Q को हरियाणवी पसंद है। T को क्या पसंद है? Q को तमिल पसंद है, Q को तमिल पसंद है और T को हरियाणवी पसंद है, ठीक है, T को हरियाणवी पसंद होगी, हरियाणवी। T को क्या पसंद है एंड देन Q को क्या पसंद है? तमिल, लिख दू। चलो तमिल से रिलेटेड कोई पॉइंट है क्या? नहीं है, कुछ हरियाणवी से रिलेटेड भी नहीं है, तो आगे बढ़ते। मैं इस पॉइंट को इरेज कर दूं क्या, थोड़ी जगह मिल जाएगी मुझे, इसको इरेज कर देता हूं मैं। ये पॉइंट्स आपने समझ लिए कैसा आया था, ठीक है, चलो लेट अस गो अहेड नाउ। आगे क्या बोला है? डी नोज नीदर बंगाली नार ओडिया, डी को क्या पसंद नहीं है? डी को क्या पता नहीं है? उसको बंगाली भी पता नहीं है और ओडिया भी पता नहीं है, ठीक है, लिख के रख। डी अभी तक आया है क्या? नहीं रहा, तो यहाँ पे लिख के रख देते हैं। डी नीदर नोज बंगाली भी नहीं है और ओडिया भी नहीं है, करिंग नॉर ओडिया। एंड हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ द पर्सन हु नोज आसामी, ठीक है, इसका क्या मतलब है? हु किसके लिए आया? जिसको ओडिया पसंद है, जिसको ओडिया पसंद है। हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ द पर्सन हु नोज आसामी, देखो आसामी वाला पॉइंट ऑलरेडी आ चुका था। सी को क्या? किसको? तो भी आसामी पसंद है, सी को। तो सी के इमीडिएट राइट में कौन बैठता है? सी के इमीडिएट राइट में कौन बैठता है? द पर्सन ओडिया हु, डी हु नोज नीदर नोज बंगाली नॉर ओडिया सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ द पर्सन हु नोज आसामी, मतलब डी के इमीडिएट राइट में सी बैठता है। डी सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ द पर्सन हु ऑफ द सी हु नोज आसामी, ठीक है, राइट ऑफ द पर्सन। डी सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ द पर्सन
हु नोज आसामी, मतलब सी के राइट में, एक्चुअली मैंने उल्टा लिख दिया, सी के राइट में, ठीक है, सी के राइट में, मैंने डी के राइट में लिख दिया उसको, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इस तरह से, ठीक है, डी डी सिट्स ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ सी, ठीक है, चलो यहाँ तक तो आया है। अब कोई इन्फॉर्मेशन रख सकते क्या, देख लेते, कोई इन्फॉर्मेशन को पुटअप कर सकते क्या, पी वाली हो चुका है, ये भी पॉइंट हो चुका है, एस वाला हो चुका है, ई और बंगाली और हिंदी अभी तक नहीं आया है, अब डी होने, ई ए हु नोज भोजपुरी डज नॉट फेसेस आर, चलो ए हु नोज भोजपुरी अभी भी नहीं आया, ठीक है, तो अभी हमें, मुझे ऐसा लगता है कि हमने सी एंड डी की हेल्प से, सी एंड बी की हेल्प से कुछ ना कुछ प्लेस कर सकते हैं, और सी और ए का आज आपस में रिलेशन है, यहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, देखो डी सी डी डी सी डी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, तो प्लेस करने की कोशिश करते हैं। देखो इसमें क्या बोला है, पहला पॉइंट क्या बोल रहा था, सी के बी के राइट में सी है, लेफ्ट में सी है, तो सपोज मैंने बी को यहाँ नहीं रख सकते, यहाँ पे रख दिया होता, सपोज अगर मैंने बी को यहाँ रख दिया तो दो लोग छोड़ के मैं सी को यहाँ रख सकता हूँ, बी को अगर मैंने यहाँ प्लेस कर दिया तो दो लोग छोड़ के सी को यहाँ रख सकते हैं, लेकिन सी के राइट में कौन होना चाहिए, डी होना चाहिए, क्लियरिंग, तो बिल्कुल सही हो जाएगा, अगर मैंने बी को यहाँ रख दिया तो एक दो पर्सन छोड़ के अगर मैंने सी यहाँ रख दिया तो उसके राइट में डी होना चाहिए, विच इज नॉट पॉसिबल क्योंकि ऑलरेडी एफ बैठा हुआ है, तो हम क्या करते हैं, बी को यहाँ फिक्स कर देते, सी को यहाँ फिक्स कर देते और डी को यहाँ फिक्स कर देते, क्यों कर दिया, अकॉर्डिंग टू दिस पॉइंट, एज पर दिस पॉइंट और इस पॉइंट का हमने यूज करके, ये दोनों पॉइंट्स का हमने यूज कर दिया तो हमें बी और सी की पोजिशन फिक्स कर दी हमने, गेटिंग, आई होप यू गॉट दिस, चलो इसकी पोजिशन फिक्स हो चुकी है, और आगे क्या बोला है, बी को बंगाली नहीं पसंद और ओडिया भी नहीं पसंद, डी को हो चुका, सी को आसामी पसंद है, तो लिख देते सी को क्या पसंद है, आसामीज, ठीक है, और सी भी, और सी के बाजू में कौन नहीं है, ए भी नहीं है और ई भी नहीं है, चलो उसका तो काम ही नहीं है हमें, ए और ई तो इस तरफ होगा, अभी दो जगह है, हो गया सबका सेम, अभी एक ही बचा है, ए हु नोज भोजपुरी डज नॉट फेसेस आर, अब इस लाइन में देखो आर तो एक ही होगा ना, तो एक ही बताया, आर के यहाँ पे ए नहीं है, मतलब ए यहाँ होगा, लास्ट लाइन में क्या बोला, ए हु नोज भोजपुरी, ए को क्या पसंद है, भोजपुरी, ठीक है, भोजपुरी, भोजपुरी फिल्म है, डज नॉट फेसेस आर, डज नॉट फेसेस आर, ठीक है, आर के सामने नहीं है, तो ए फिक्स हो गया, अब बचा कौन है, तो ई होगा, ई यहाँ पे प्लेस कर देते, ई हो चुका है, सारे लोग प्लेस हो चुके हैं, बस उनकी अभी लैंग्वेज देना बाकी है, लैंग्वेज देना बाकी है, तो लैंग्वेज दे देते, डी को क्या, उड़िया नहीं पसंद, आगे क्या है, द वन हु नोज गुजराती सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द पर्सन हु फेसेस द वन हु नोज मलयालम, समझ में आया क्या, नहीं आया होगा, चलो कुछ पॉइंट्स जो बचे हैं उसको पहले प्लेस कर देते हैं, लास्ट वाले पॉइंट को बाद में देखते हैं, देखो ये भी पॉइंट हो चुका है, ये भी 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 हो चुका है, सिर्फ ये वाला और ये वाला पॉइंट बचा है, क्या मैंने दोबारा क्वेश्चन को पढ़ा, नहीं पढ़ा, ठीक है, एंड दिस इज द राइट प्रोसेस, ई के ई नोज हिंदी, ई को क्या पसंद है, हिंदी, ई को हिंदी पता है और उसके सामने कौन बैठता है, तेलुगु वाला, तेलुगु, कैरिंग, उसके सामने कौन है, तेलुगु, ई के सामने कौन है, तेलुगु, हो गया, ये भी पॉइंट क्लियर हो चुका है, अब कौन बचा है भैया, क्यू पी आर, क्योंकि तमिल हो चुका है, चलो देखो ओडिया इसको पसंद नहीं है, ओडिया देखो किसको पसंद नहीं है, ओडिया डी को भी पसंद नहीं है और ओडिया ओ को भी पसंद नहीं है, तो ओडिया किसको होना चाहिए, बी को हो सकता है या फिर एस को हो सकता है, दोनों में से, ठीक है, ओडिया दोनों में से हो सकता है, और डी को बंगाली भी पसंद नहीं है, डी को बंगाली पसंद नहीं है, ओडिया पसंद नहीं है, क्या पसंद नहीं है, ओडिया भी पसंद नहीं है, बंगाली पसंद नहीं है, तो कौन सा पसंद होगा, तो बचे हुए पसंद होंगे, ठीक है, देख लेते हैं, अब कौन सा बचा, एक ही पॉइंट बचा है, लास्ट लाइन वाला, क्या बोला है, The one who knows Gujarati sits second to the left of the person who faces the one who knows Malayalam. The person who knows Gujarati, मतलब इस तरह से मैं नोटेशन में लिखता हूँ, चलो यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ इसको, ये जो सारी खिचड़ी है ना उसको मैं क्लियर कर देता हूँ, ये सारी खिचड़ी है इसको क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि इसका हमने यूज कर लिया ऑलरेडी, ठीक है, इसका कुछ काम नहीं है, चलो यहाँ पे रख देते, अब लास्ट वाला पॉइंट बचा हुआ है, क्या बोला है, द वन हु नोज गुजराती sits second to the left of the person who faces the one who knows Malayalam. समझ में आया? The one who knows Gujarati, suppose यहाँ पे मैंने गुजराती रखा, the one who knows Gujarati sits second to the left of the person who knows Malayalam.
मतलब यहाँ पे मलयालम होगा, हु मलयालम हु फेसेस सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ द पर्सन हु फेसेस द पर्सन हु नोज मलयालम, मतलब मलयालम के जो पर्सन यहाँ बैठा है उसके सेकेंड लेफ्ट में गुजराती बैठा है। ये समझ में आया क्या? द वन हु नोज गुजराती सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ द पर्सन हु फेसेस द वन हु नोज मलयालम, मतलब जो मलयालम जानता है उसके सामने जो भी पर्सन बैठा हुआ है उसके सेकंड लेफ्ट में कौन बैठा है? गुजराती वाला, गुज्जू। ठीक है, गुजराती आप में से कोई होगा तो बुरा मत मानना, गेटिंग, बड़े होशियार होते हैं गुजराती लोग, है ना। 15 साल सीएम, बाद में 10 साल पीएम, और भी छोड़ने की इच्छा। चलो बुरा मत मानना आप में से अगर कोई फैन होगा तो, इनफैक्ट आई एम ऑल्सो फैन बट रियालिटी बता रहा हूँ, बड़े बड़े गुजराती होशियार होते हैं। ओके चलो ये समझ में आया। तो देखो मलयालम ऑलरेडी हमें पता है, मलयालम यहां से यहां रख देते, मलयालम के सामने कोई तो भी पर्सन, ये ओ नहीं है, लेट मी मेक इट ओ, ठीक है, दिस इज द ओ, एंड उसके सामने मलयालम के सामने जो भी पर्सन बैठता है उसके सेकेंड लेफ्ट में गुजराती बैठता है, मतलब जिसको गुजराती पसंद है, गुजराती, ठीक है। और मलयालम भी हो गया तो ये पॉइंट हो चुका है। देखो अभी क्या बोल रहे हैं चार्ट में, एस नोज गुजराती, ओके वेरी गुड, कौन थे वो, चलो एस नोज गुजराती, क्या नाम था, नाम भी देखने दो, एस नोज, ओके निकिता इज सेइंग एस नोज मलता है, निकिता आप गुजराती हो क्या? नहीं, जवान है। ओके चलो सोनाक्षी गोसर रेज द हैंड, ओके ओके बोलिए बोलिए। सुवर्णा हैज रेज द हैंड, बोलिए ना सुवर्णा जी, हम सुन रहे हैं। नो सर, सुवर्णा हैज रेज द हैंड, बोलिए क्या बोलना है। सॉरी सर, गलती से हो गया। अच्छा गलती से हो गया, ओके ओके नो इशू, चलो कंटिन्यू करते हैं। अभी लास्ट ही पॉइंट बचा हुआ है, लास्ट पॉइंट बचा हुआ है, क्या बोला है अभी, ये भी पॉइंट हमने यूज कर दिया, मलयालम के सामने हो गया। अब एक पॉइंट था यहाँ पे, कौन सा पॉइंट था, कि डी को ओडिया भी पसंद नहीं था और कौन सी पसंद नहीं थी, क्या था यहाँ पे दिखा था ना, नीदर नोज बंगाली नॉर ओडिया, और डी को बंगाली भी पसंद नहीं है और ओडिया भी पसंद नहीं है, डी को बंगाली भी पसंद नहीं है और ओडिया भी पसंद नहीं है, तो उसकी कौन सी लैंग्वेज दे सकते हैं हम उसको। देखो ओडिया डी को भी पसंद नहीं है, ओडिया क्यू ओ को भी पसंद नहीं है, ओडिया इसको भी पसंद नहीं है, ओडिया इसको भी पसंद नहीं है, तो ओडिया किसको होगा, तो ओडिया दे देते बी को, ठीक है, क्योंकि सब कुछ तो सबका हो चुका है, सबने अपने अपने लैंग्वेज लेगी, डी को ओडिया पसंद नहीं था, डी को ओ को ओडिया पसंद नहीं था, ओडिया दे दिया हमने बी को, गेटिंग, चलो दे दिया। अब क्या बताया, डी को बंगाली नहीं पसंद, यहाँ पे देखो लाइन दिखा था, डी को बंगाली नहीं पसंद, तो डी को बंगाली नहीं पसंद तो बंगाली दे देते हम ओ को, ठीक है, ओ को दे दिया बंगाली। अब बचा होगा कौन है, ये भोजपुरी मराठी तेलुगु, आई थिंक मराठी बचा हुआ है ना, मराठी कभी आया नहीं ना, मराठी मानुस उसको दे देते, आई थिंक एवरीथिंग इज सॉर्टेड आउट, समझ में आया, सबको सब कुछ सबका मिल गया, सबको अपनी अपनी लैंग्वेज मिल गई, सबको अपना अपना मिल गया, ठीक है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट, ओके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ी खिचड़ी लगती है लेकिन इसमें थोड़ी सी हैंडराइटिंग ऐसी आती है, राइटिंग पैड पे लिख रहा हूँ मैं तो हैंडराइटिंग का थोड़ा इशू होता है, ठीक है, बट माय एक्सपेक्टेशन इज दैट यू नीड टू जस्ट अंडरस्टैंड दिस, आपको अगर समझ में आया बस, आपको समझ में आया मतलब हुर्रे, करिंग, चलो आया क्या स्क्रीनशॉट, चलो इसके बेसिस पे आंसर करते हैं हम, इसके बेसिस पे आंसर करते हैं। क्या मैंने दोबारा क्वेश्चन पढ़ा क्या, इतना बड़ा क्वेश्चन है लेकिन दोबारा पढ़ा क्या, नहीं पढ़ा, जैसे जैसे मैं क्वेश्चंस को पढ़ रहा हूँ वैसे वैसे ही साथ में पॉइंट्स को नोट डाउन करके चल रहा था, एक्चुअली क्वेश्चंस की लेंथ भी बड़ी है और बड़ी भी है, आपका एक परसेप्शन मैं चेंज कर देता हूं कि जितना बड़ा क्वेश्चन उतना ईजी क्वेश्चन होता है, क्यों होता है, क्योंकि पॉसिबिलिटीज कम बनती है, इंफॉर्मेशन ज्यादा होती है हमारे पास और पॉसिबिलिटीज कम होती है, समझ रहे, पॉसिबिलिटीज कम होती है और इन्फॉर्मेशन ज्यादा होती है, इसलिए आप
बड़ा क्वेश्चन देख के डरना मत, जितना बड़ा क्वेश्चन उतना हमारे लिए अच्छा, क्योंकि इन्फॉर्मेशन ज्यादा होती है मतलब पॉसिबिलिटीज कम हो जाएगी। ठीक है, कम अगर दिया, एक लाइन का क्वेश्चन है उसमें बहुत सारी पॉसिबिलिटीज होती है, एम्बिग्यूटी बहुत होती है उसमें, समझ रहे। चलो आंसर दे दो पटाख से। व्हाट इज टाइम नाउ? आई नीड टू गो, आई थिंक इट इज 8, और 8 के बाद अगर बाहर निकले तो आपको पता ही है प्रसाद मिलेगा। आई एम इन नागपुर नाउ। ओके, हु नोज तेलुगु? एस इज रिलेटेड टू क्यू। मलयालम इज रिलेटेड टू पंजाबी इन अ सर्टन वे। एस इज रिलेटेड टू क्यू, एस इज रिलेटेड टू क्यू एंड मलयालम इज रिलेटेड टू पंजाबी। देखो क्या बोला है, ए इज रिलेटेड टू क्यू। ए इज रिलेटेड टू क्यू मतलब किस तरह से, देखो एल शेप बन रहा है यहाँ पे, ठीक है, एल शेप, ए इज रिलेटेड टू क्यू। आगे क्या बोला, मलयालम इज रिलेटेड टू पंजाबी, मलयालम इज रिलेटेड टू पंजाबी, एल शेप। बोलिए बोलिए, आंसर आया, वेरी गुड। सो आगे क्या बोला है, इन द सेम वे हिंदी इज रिलेटेड टू, हिंदी इज रिलेटेड टू कौन है, हिंदी इज रिलेटेड टू कौन होगा, गुजराती है ना, गुज्जू गुजराती, ठीक है। चलो, हु इज फेसिंग द वन हु इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु नोज बंगाली। जितने स्पीड से पढ़ा उतने ही तेजी से चला गया ऊपर से, धीरे धीरे पढ़ते। हु इज फेसिंग द वन हु इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु इज फेसिंग हु नोज हु लाइक्स बंगाली। मतलब बंगाली के क्या बोल रहा है, सेकंड टू द लेफ्ट, बंगाली के सेकंड टू द लेफ्ट, बंगाली है ना, बंगाली के सेकंड टू द लेफ्ट जो पर्सन बैठा है उसके सामने कौन बैठा है, उसका क्या है, हु इज फेसिंग टू द वन हु इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बंगाली। बंगाली के सेकंड लेफ्ट में जो पर्सन बैठा है उसके सामने कौन बैठा है, भोजपुरी वाला, मतलब ए, तो ए तो है ही नहीं, तो क्या है, द पर्सन हु लाइक्स भोजपुरी, गेटिंग। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज सिटिंग एट द एक्सट्रीम एंड। अरे किधर जा रहे, नन ऑफ दिस नहीं है आरती, भोजपुरी पता है ना उसके, ए का भोजपुरी है ना, ए की भोजपुरी। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज सिटिंग एट द एक्सट्रीम एंड, एक्सट्रीम एंड पे कौन बैठता है, तो ई है, एस सी है, टी है, आर है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर सीट एट द एक्सट्रीम एंड, कौन बैठ रहा है, कौन दिख रहा है आपको, ई ए, सी एस, सी एस दिख रहा है क्या, नहीं है, पी ए है क्या कहीं पे, आर सी भी नहीं है, मतलब नन ऑफ दिस होगा, है ना, ई ए नहीं है, सी एस भी नहीं है, उसके बाद कौन है, ऑप्शन नंबर सी क्या है, पी, पी है क्या, नहीं है, आर सी है क्या, आर सी, हाँ आर सी है, आर एक्सट्रीम एंड पे, आर है, आर सी, दिस इज योर आंसर, आर सी है ना, एक एक्सट्रीम पे ये वाला है, यहाँ पे है, समझे, थोड़ा थोड़ा, आर सी। पांचों क्वेश्चन हो चुके हैं, ओके चलो, आई नीड टू वाइंड अप हियर, I will have to wind up here, क्योंकि 8 के बाद अगर बज गए तो आपको समझ में आएगा, फिर बाद में बाहर निकले तो, ठीक है, आई होप यू विल अंडरस्टैंड। और जो रिमेनिंग कॉन्सेप्ट बची है वी विल डिस्कस इट लेटर ऑन, जो एक दो बचे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको छोड़ो मत, नेक्स्ट जो एक दो कॉन्सेप्ट बचे हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस कर लेते हैं, गेटिंग। So shall I wind up here? Is there any doubt? Is there any doubt? हो गया अभी, okay. किसी का doubt है क्या? किसी को doubt अगर होगा तो पूछ लो, otherwise I will wind up here. Sir. हाँ हाँ बोलिए. क्लास सुरू होण्याच्या अर्धा घंटा आधी मी एक मैसेज टाकत जा सर, 15-20 मिनिटाचा क्लास स्किप होतो. तुम्हाला नोटिफिकेशन नोटिफिकेशन नाही, ओके ओके, म्हणजे क्लास सुरू होण्याच्या अर्ध्या घंटा पहिले मेसेज टाकायला हवा तुम्ही, कारण की मग स्किप होतो, लक्ष नाही राहत तर. ओके ओके ओके, ठीक आहे, आय विल प्लेस द मेसेज. कोण, एक मिनिट, कोण बोल रहा है, एक सेकंड मुझे देखने दो. आरती चांदूरकर. ओके ओके ओके, चलो ठीक है, आप ग्रुप में हो ना. हाँ सर. ओके ओके ठीक है, आई विल प्लेस द मैसेज एंड आपको नोटिफिकेशन भी आएगा, लेकिन अगर नहीं आया तो मैसेज आधा घंटे पहले ही लिंक भेज दूंगा, ठीक है. हाँ ठीक है सर. ओके चलो, बाय बाय देन, सी यू टुमारो.